नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको मूंग दाल का हलवा बनाना के दिखाती हूँ, जो बिना भुने ही मैं इसको बनाऊँगी। ये मैंने दाल ले ली है एक कटोरी, इसमें एक कटोरी ही घी डलेगा और डेढ़ कटोरी इसमें चीनी डलेगी। मैं वो भी अभी दिखाती हूँ आपको। इस दाल को हम अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमने भिगोना नहीं है तो धो भी नहीं सकते। और अच्छे से, खूब अच्छे से दो तीन बार मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको पीस लिया है, इसको दरदरा ही पीसा है मैंने, दरदरा ही पीसना। अगर मान लो आपका बारीक हो भी जाए तो उसको छान के आटे को अलग कर लें बारीक वाले को, नहीं तो इसमें स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और ये मैं चीनी ले लेती हूँ। डेढ़ गुना चीनी मैंने ली है। ज़्यादा मीठा लेना है तो दो ले लेना, क्योंकि इसके अंदर मीठा ये अच्छा लगता है, फीका फीका अच्छा नहीं लगता ये। और एक कटोरी ही इसके अंदर घी डलेगा, एक कटोरी का इस रेशो है। अब इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है और चीनी को मैं उबलने के लिए रख देती हूँ और इसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी। मैंने चीनी डाल दी है पानी में, यहाँ मैंने एक गिलास पानी ही लिया है, बाकी आवश्यकता अनुसार लेते रहेंगे। और दूध भी डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा। ये देखिए हमारा भूनना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा इसमें झाग आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे झाग आना शुरू होता है इसका मतलब हमारा भूनना शुरू हो गया और इसको अच्छे से भूनना है। अगर आप इसमें कलर डालना चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। उससे क्या होता है कि इसके कलर जिसके बाजार जैसा हो जाता है अगर आप कलर डालना चाहें तो, नहीं तो थोड़ा सा रेड रेड सा बनता है। ये हमारा लगभग भूनने वाला ये है। अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये हमारा भून गया है। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। और ये हमारा भून गया है अच्छे से। अब इसके अंदर हम जो चीनी का पानी है हमारा वो तैयार हो गया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको लगातार चलाते हुए ही पकाते रहेंगे। मोटे तले की कढ़ाई लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसे लगता नहीं है। अब इसके अंदर हम ये पानी डाल देते हैं। देखिए हमारा चीनी बिल्कुल घुल गई है और हमारा पक भी गया है। थोड़ा दूर होकर ही डालें, नहीं तो छींक लग जाएगी। थोड़ा ध्यान से डालें। और ये हमारा देखो कैसे बुलबुले आने लगे हैं। अब ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा और इसके अंदर हम दूध भी डाल देंगे और थोड़ा पानी भी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डालना है। ऐसे तो अंदाजा से ही ज़्यादा डलता है इसके अंदर। देखिए ये हमारा बिल्कुल रेड रेड सा हो गया ना, ऐसे आप कलर डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम ऐसा ही डालेंगे, नेचुरल ही अच्छा लगता है। ये देखिए अब हम इसमें दूध और पानी डाल दिया। इतना पतला होना चाहिए और ये इतना पतला ही बिल्कुल गाढ़ा बन जाएगा अच्छे से हलवा। अभी आप देखना जैसे तैयार होता है, उसके बाद इसको मैं लगातार चलाते हुए भून लेती हूँ। ये देखिए बन गया ना, कितना अच्छा दानेदार है, बिल्कुल हलवाई जैसा। इस कलर का तो चेंज ज़रूर आएगा क्योंकि हलवाई फूड कलर डालते हैं। कैसा लगा? नमस्ते जी।